बसमरिम अल्लाम वरिमु लाईदा जनाब खेत से होंगे आप साहब और अल्लाह ताला के ईमान में रहें जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें मैं मोहम्मद शोएब आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और दोस्तों मैं तो थोड़ा आउट हूँ लेकिन आपके साथ एक वीडियो ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा चूँकि पीछे से यहाँ पर जो वर्क चल रहा है जहलम रोड के ऊपर कॉर्पेटिंग का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया तो हम लोगों ने जेलम कैंट से स्टार्ट लिए हमारे लिला था जेलम करेज वे की तरफ हम लोग जा रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपका कॉर्पेटिंग का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया गया ठीक है ये देखे तो आपको मशीनरी आपको राइट साइड पर नजर आ रही है खड़ी है सारी की सारी ये ये सारी मशीनरी जो है यहाँ पे कॉपेट कर रही है सेकेंड लेयर की जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे दोस्तों के कमर्स वगैरह भी आ रहे थे कि यहाँ पे जितनी भी कलवर्स थी जो पुलियाँ थी वो छोड़ दी गई हैं और उनको कब कंक्रीट किया जाएगा और क्या यहाँ पे यही कॉरपोरेट होगी सिर्फ इतनी जैसा कि ये देख सकते हैं ये पॉइंट आपको नजर आया है पहला पॉइंट इससे पहले एक पॉइंट गुजर चुका है ये आपका थर्ड पॉइंट आ चुका है तो तब भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉरपेट है वो दोबारा से किया जाएगा इन तो आगे चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कॉरपोरेट किया भी गया एरिया और कुछ अभी मजीद किया जा रहा है ये दूसरा जो है सेटअप पड़ा हुआ है जिनके एक मशीनरी वहाँ पे मौजूद थी एक यहाँ पे मौजूद है आगे चले मैं आपको कारपेट वगैरह भी दिखाता हूँ जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली मेरे चैनल को जरूर जल्दी से सब्सक्राइब करें बेलाइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे तो अभी हम लोग नौग्राँ के मुकाम पे पहुंचने वाले हैं ये जैसा कि आपको कलवर्स वगैरह मैं पहले आपको कलर्स जितनी भी कलवर्स थी वो दिखा रहा हूँ जन जिनके ऊपर कारपेट नहीं हुआ उसके बाद आगे चल के आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपका एसफॉल्ट वर्क भी जहाँ पे हुआ पड़ा है इससे पहले हमने जहाँ से स्टार्ट किया वीडियो वहाँ पर भी आपका कारपेट का काम जो है वो किया गया है पहली कलवर जो थी उसके ऊपर कारपेट आपकी फर्स्ट लेयर डाल दी गई है इसके अलावा आपका जो जीरो पॉइंट था कैंट से निकल निकलने के बाद जो आपका आता है कंक्रीट के बाद वहाँ पे भी कारपेट की आपकी सेकंड लैंड रन कर दी गई है ठीक है जी आगे चलते हैं और बताते हैं कि आपको ये पॉइंट है यहाँ से आपका कारपेट की दूसरी लेयर डाल दी गई है ये आपका फाइनल कारपेट यहाँ पे रोड जो है वो तैयार है कहाँ तक ये कारपेट डाला हुआ है आगे चले में आपको आगे भी चल के दिखा देता हूँ इसके अलावा मजीद आगे वीडियो के अंदर भी आपको दिखाता हूँ कि वर्किंग आपकी अगेन जो है वो चल रही है आपकी अभी जो तारीख है वो आपका अट्ठाईस तारीख है और अट्ठाईस और सताइस अट्ठाईस और उनतीस इन तीनों दिनों की जो वर्किंग सिचुएशन है वो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास अब ये ये पॉइंट है जी नौग्रा का ये आपको महसूस भी हुआ होगा गाड़ी ने जो है हल्का सा जंप भी लिया है यहाँ तक आपका कारपेट जो है वो सेकंड ले डन की गई है ये जहाँ पे भी हम गुजर रहे हैं यहाँ पे भी नहीं हुई ठीक है जी तो इसके फौरन बाद आपका जो पॉइंट आ जाता है वो कैरेज की साइड आ जाती है एक बेहतरीन किस्म का व्यू बनता है ये जो दरख्तों के बीच से रोड गुजरता है आपका ग्रेड जो स्टेशन बना हुआ है बिजली घर बना हुआ है उसके बिल्कुल सामने से तो हैर जनाब मैं आपके साथ बात शेयर कर रहा था कि जो आपका ये सेकंड लेयर है ये डालने का सिलसिला आपका बिल्कुल शुरू हो चुका है और इसके ऊपर भी आपको मालूम है ट्रैफिक भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब होती आपको है आपको मालूम है यहाँ पे ट्रैफिक नहीं गुजर सकती तो ये देखें तो आपकी कारपेटिंग का काम यहाँ पे चल रहा है और इसकी हाँ इंस्पेक्शन का सिलसिला जो है वह नेसपाक के पास है हमारी टीम के ही पास है लेकिन यहाँ पे ये लोकल कॉन्ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं तो ये देख सकते हैं आप ये चल रहा है आपका कॉरपेटिंग का सिसा ये उस इसके ऊपर आप देखते हैं तो लुक वगैरह जो है वो स्प्रे किया गया है इसके बाद इसके ऊपर जो आपकी फाइनल लेयर है ना वो डाली जा रही है यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल स्टॉप है ये तो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ यहाँ से तो हम इधर चूँकि मेरी गाड़ी तो मैं इधर खुद गाड़ी पर आया हु ना तो वैसे मुकम्मल ही स्टॉप हुई है नौग्राम पुल से लेके आगे एक और पॉइंट है वहाँ तक आपका जो ट्रैफिक है वो स्टॉप कर दी गई है नीचे जमीनों की तरफ से रास्ता होके लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं मैं बता रहा था आपको कि कुछ दिन मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाया उसकी वजह यह थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री था यहाँ पे मैं मौजूद नहीं था अभी बैक यहाँ पर वापसी अगेन हो चुकी है मैं वापस आ चुका हूँ लेकिन चूँकि ये एंड्रॉयड से जो है वो वीडियो बनी हुई है तो इसका कुछ खासा रिजल्ट भी नहीं और थोड़ी बहुत शेकिंग वगैरह भी होगी क्योंकि आईफोन जो था वो मेरे पास था उस टाइम और ये जो आज वाली वीडियो ये जो बन रही है वीडियो ये हैर मैंने बनाई हुई है क्योंकि ये मैं तब तक वापस आ चुका था तो बहुत सारे दोस्तों को मालूम है कि मैं गया हुआ था आउट और कुछ दोस्तों को नहीं भी मालूम लेकिन उसकी कुछ वजुवाह थी वो इनशाला आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा अभी मैं ऑलरेडी वापस आ चुका हूँ और इन शाला इन शक्ता फ़वकाता आपके साथ मैं जो वीडियो का सिलसिला आपके साथ जो है वो जारी रखूँगा ये सारे के सारे डंपर जो हैं वो एसफॉल्ट के रेडी प्लांट से रेडी हो आए हुए हैं और ये सारी की सारी एसफॉल्ट आपकी खाड़ियाँ में जो एसफ़ाल्ट का प्लांट लगा हुआ है वहाँ से आ रही है तो आपका ये रोड जो है अब माशाला से फ़ाइनल कर दिया गया है अब आपका ये तकरीबन तकरीबन सफर जो है दस मिनट के अंदर जेलम का डन हो जाए करेगा इनशाला जवाज अच्छा।